हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आई एम श्रुति पटेल टीचर ऑफ सीनियर के जी टुडे वी आर लर्निंग अबाउट मैथ्स सब्जेक्ट सो इन प्रीवियस वीडियो वी रिवाइज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर सो उसमें हमने क्या किया था स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट लिखा था उसमें हम लोगों को क्या करना है जीरो टू टेन तक जो फॉरवर्ड काउंटिंग होते हैं उसमें जो पहला नंबर आता है वो हमें लिखना है यानी कि स्मॉल नंबर लिखना है फिर उसको बड़ा करते जाना है आज हम क्या करने वाले हैं टुडे वी विल रिवाइज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर सो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है बैकवर्ड काउंटिंग दिखना है यानी कि हमें 10 से ज़ीरो तक टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो ऐसे बैकवर्ड काउंटिंग लिखना है और बैकवर्ड काउंटिंग में जो फर्स्ट आता है वो हमें पहले लिखना है यानी कि हमें बिगेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट लिखना है असेंडिंग ऑर्डर यानी स्मॉल टू बिग और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बिग टू स्मॉल ओके सो लेट स्टार्ट राइटिंग टेक ऑन योर मैथ्स नोटबुक अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट नाइन डैश फोर डैश ट्वेंटी वन असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने फॉरवर्ड काउंटिंग यानी कि ज़ीरो टू टेन तक देखा था इसमें हमें बैकवर्ड काउंटिंग देखना है यानी कि यहाँ पे मैं साइट पे लिख देती हूँ टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो ओके वैसे तो आप लोगों को अपने माइंड में रखना है तो भी चलेगा ऐसे ही गिनना है अगर लिखे बिना तो भी आप गिन सकते हो ये तो मुझे सिर्फ आपको दिखाना है कि अगर आपकी भूल हो आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप ऐसे लिख के भी कर सकते हो ओके सो लेट्स स्टार्ट अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है बैकवर्ड काउंटिंग देखना है और बिग टू स्मॉल जाना है उसमें हम फॉरवर्ड काउंटिंग लिखते हैं असेंडिंग में जिसमें पहले स्मॉल आता है फिर बिग होता जाता है यहाँ पे बिग है फिर धीरे धीरे वो स्मॉल होता है सो लेट्स स्टार्ट वन थ्री टू फोर ओके इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है सबसे बड़ा फोर ही है और यहाँ पे भी आप देखो तो सबसे पहले फोर ही आता है तो लिखो यहाँ पे फोर मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में लिखा था कि अगर आपको ऐसे काट के लिखना है तो भी आप लिख सकते हो ओके नेक्स्ट वन थ्री टू इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है थ्री जो बैकवर्ड काउंटिंग में पहले आता है फिर टू और वन ओके नेक्स्ट सेवन नाइन फाइव थ्री विच नंबर इज़ बिगेस्ट नंबर नाइन इट इज़ फर्स्ट इन बैकवर्ड काउंटिंग देखो नाइन टेन के बाद नाइन पहला ही आया ना हाँ तो लिखो नाइन सेवन फाइव थ्री विच इज़ द बिगेस्ट सेवन राइट ही सेवन फाइव और थ्री इसमें से सबसे पहले कौन सा आता है फाइव और वो बड़ा है तो फाइव और क्या रहा थ्री नेक्स्ट फोर टू नाइन एट फोर टू नाइन एट विच इज़ द बिगेस्ट नंबर नाइन राइट हियर नाइन नेक्स्ट फोर टू एट इसमें से सबसे बड़ा एट फोर टू उसमें से फोर और लास्ट बचा टू okay next 6 10 3 2 which is the biggest number 10 10 is also first in backward counting so write here 10 6 3 2 which is the biggest number 6 3 2 3 or 2 okay next एट सिक्स फोर फाइव अगर आपको ऐसे देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो पहले चेक करो टेन है यहाँ पे नहीं है नाइन है नहीं है एट है हाँ है तो लिख दो यहाँ पे पहले एट फिर है सेवन सेवन है यहाँ पे नहीं है फिर सिक्स हाँ सिक्स है तो लिख दो यहाँ पे सिक्स फिर फाइव है हाँ है तो लिख दो फाइव और लास्ट क्या है फोर तो हो जो बचा वो फोर आप ऐसे भी लिख सकते हो ओके नेक्स्ट थ्री टेन फोर सेवन विच इज़ द बिगेस्ट नंबर टेन एंड टेन इज ऑल्सो कम इन फर्स्ट इन बैकवर्ड काउंटिंग थ्री फोर सेवन विच इज़ द बिगेस्ट सेवन थ्री फोर विच नंबर विल कम फर्स्ट in backward counting 4 and last baja 3 next 7 8 4 2 which number will come first in backward counting 8 7 4 2 which is the biggest 7 4 2 4 is biggest number and last 2 नेक्स्ट वन थ्री टू फोर विच इज द बिगेस्ट नंबर फोर नेक्स्ट वन थ्री टू थ्री टू और वन ओके ये दोबारा आया है यहाँ पे फर्स्ट भी है और फिर आया है सो so, पता चला आप लोगों को कैसे करना है सिर्फ आप लोगों को ये याद रखना है कि जब भी असेंडिंग ऑर्डर हो तो आपको फॉरवर्ड काउंटिंग यानी कि जीरो टू टेन देखना है स्मॉल टू बिग करना है और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बैकवर्ड काउंटिंग देखना है टेन टू ज़ीरो जिसमें बिगेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट होता है ओके सो so, आज के लिए इतना ही बाय